ये एक सिंपल लेटर नहीं है, इस लेटर ने इंडिया एंड वर्ल्ड की हिस्ट्री को चेंज कर दिया। 1944 में JRD ने डॉक्टर होमी बाबा को सजेस्ट किया कि वो लेटर लिख के सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन सोराब सकलतवाला से फंडिंग की रिक्वेस्ट करें। सो 12th मार्च 1944 को डॉक्टर होमी बाबा ने एक न्यू एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप करने की रिक्वेस्ट की। देन जून 1945 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की फंडिंग से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्टार्ट होता है। TIFR is the birthplace of India's nuclear program. And interestingly, ये institute Hiroshima and Nagasaki की bombing से 2 महीने पहले start हुआ था। Finally, 18th May 1974 को India ने अपना पहला nuclear test किया and India world का 6th nuclear weapon state बन गया। TIFR ने India के nuclear energy program की foundation भी रखी। So Dr. Homi Bhabha, Tata family and his letter ने India के nuclear development में बहुत important role play किया। And the rest is history.